बटला एनकाउंटर केस में आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयर केस माना है। आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था। आतंकी आरिज खान पर कोर्ट ने 11 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे। इस मामले में इससे पहले आरोपी सजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी, जबकि इसके दो साथी आकिब अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। गौरतलब है कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था। साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। इस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। अगर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान की बात करें तो साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे, उसके मुख्य साजिशकर्ताओं में आरिज था। इन सभी धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी, जबकि 535 लोग घायल हुए थे। धमाकों के बाद तब आरिज खान पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इनके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान और जुनेद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि बटला एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 की सुबह हुआ था, जब स्पेशल सेल को एक सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिदीन के कुछ आतंकी बटला हाउस इलाके के एक मकान में छिपे हुए हैं। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी उस वक्त मौके पर पहुंचे और आतंकवादियों को घेरा। तब आतंकियों के साथ बटला हाउस के मकान नंबर L18 में मुठभेड़ हुई। दो आतंकी मारे गए, जबकि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए। तब से अब तक ये मामला अदालत में चल रहा था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।